आपने वो देखा है बहादुरगंज के बांसवाड़ में, वहां पर कल हमारे सीओ एसएचओ और बीडीओ इन्होंने फील्ड विजिट किया था, उसको लेकर के हमने इनको हिदायत भी दी है कि उस पर जो उसका काम है, उसका जो रास्ते का अप्रोच रोड का, उसको करवाया जाए। अभी कुछ दिन से बारिश भी कम हुई है, हमारा कल या परसों थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ था, जैसे ही पानी का स्तर कम होता है उसको सुधार कर दिया जाएगा। पुल पहले डैमेज हुआ था, अभी तो जैसे खबर आ रहा है पुल, उसको हमने दिखवाया है, उसमें जो भी उसका रिस्टोरेशन का काम है उसको इमीडिएटली हम लोग करवा देंगे। कैसे हुआ, अभी बारिश तो हुआ ही नहीं, जैसे थोड़ा ही बारिश हुआ इसलिए पुल तो बह के चला गया। अभी देखिए और भी बहने के तारीख, अभी बारिश तो आया ही नहीं, बारिश जब आएगा तो इसका नामो निशान नहीं रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है ये, महत्वपूर्ण इतना महत्वपूर्ण कि रोजी रोटी का सब था, गांव का आदमी सारा रोजी रोटी करने वाला, गांव का आदमी कहीं भी जाए बाजार जाना है इसको काम इसी पे, लाइफलाइन है इसका। हाँ, लाइफलाइन समझ लो, लाइफलाइन है ये, बिल्कुल प्रखंड को जोड़ती है ये, दो प्रखंड को जोड़ती है, तीसरा आता है ठाकुरगंज से भी आदमी यहाँ क्रॉस कर रहा है, तीन प्रखंड इसी प्रखंड में, दिगलक प्रखंड जाने के लिए। क्या पूछो, मानते हैं ये दिन हुआ भी नहीं, पुल डैमेज हो गया? इसमें तो देखिए, इसमें तो सब घुसखोरी वाला काम है ना, किसका कितना बोले, जितना बोले उतना कम है, जितना कमीशन खोरी हुआ उतना लोहा कम। हाँ, इसी में सारा झोल इसी में फेंकेगा, तब जाके इसका तो दशा दुरुस्त ऐसा ही हुआ। अब कितना परेशान हो रहे हैं? परेशान बहुत है, देखिए ना, आप तो अभी मीडिया करते ना, अब एक ही गांव का आदमी नहीं आ रहा, अब एक आधा घंटा आपका हो गया, 100 मोटरसाइकिल ऐसी टपना शुरू कर दिया, फिर भी रोक के रखे हैं कि मत जाओ, ऐसे डैमेज हो गया, टूट गया, दिक्कत भी हो सकता है आवागमन के लिए। अब सरकार को हम यही गुहार लगाएंगे, जितना जल्दी बने, हम अपना क्षेत्र एमपी साहब को उसको भी लिखेंगे, जितना जल्दी हो जाए, हम लोग सुधर जाए, हमका अर्थव्यवस्था सुधर जाए, बस यही रिक्वेस्ट रहेगा हम लोग का। पुला से पश्चिम 3-4 गांव है, इस पुला से हम लोग लोहागड़ा अनाज बेचने के लिए जाते हैं, इसमें भी हम लोग जा नहीं पाते हैं, और इस पुला से पूरब तरफ भी 3-4 गांव है, इसमें भी हम लोग तुलसिया बाजार, खाद, धान का बीज, किसान तबका आदमी है, अभी ये खाद उज नहीं लाएंगे, इस पुला के कारण हम लोग का बहुत परेशानी है, ताकि हम लोग खेती भी नहीं कर पाएंगे। और इससे पहले भी हम लोग डॉक्टर जावेद एमपी साहब को लाके हम लोग यहाँ दिखाए थे, लेकिन वो क्या किया नहीं किया ये चीज हम लोग को अभी तक सुनाई नहीं दिया। रोपनी का समय है जी, अभी रोपनी का समय जी, अभी रोपनी का समय है, इस पुला से पूरब जो जाता है उसको भी जाने के लिए दिकदारी है ट्रैक्टर लेके, और इससे पूरब का जो घर है लगभग 200-300 घर है, उस घर का खेती इधर 400-500 बीघा जमीन है, इस खेती को हम लोग इस पुला ना बनने के कारण शायद के हम लोग प्रतीत रह जाएगा। क्या वजह मानते हैं पुल गिरने तो, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं पुल क्यों जी, इस जी पुल का पाया क्यों धस गया, क्या वजह जी है? इस पुला इसलिए जब पुला कमजोर बनाया गया होंगे या फिर और कोई कारण से, पानी अभी तो हुआ नहीं लेकिन पानी कम से कम थोड़ा ही हुआ, इस पुल घसक गया और आज हम लोग को खेती करने से हम लोग रुके बैठे हुए हैं। और होगा तो क्या स्थिति होगा जी, और इससे पानी अगर ज्यादा हो जाए तो अभी तो देखिए इस रास्ते से अभी कितना गाड़ी आना जाना है, आज 4-5 गांव का हजारों दिन में गाड़ी और चरचक्का अभी रुका हुआ है, हाल जुताई भी नहीं होगा, इसलिए आप सरकार से हमारा तेज बारिश और होने से क्या होगा? तेज बारिश से होने से ये पुला ही पूरा खत्म हो जाएगा। आप खुद आप लोगों का आप जी मांग क्या है जी? हमारा ये मांग है कि ये पुला जितना जल्दी हो सके, ताकि हम लोग गरीब आदमी को ये सुविधा मिले कि आना जाने के लिए हम लोग का सुविधा हो सके। पत्रकार महोदय जो दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत ही जानलेवा के रूप में ले लिया है, इसको कुछ भी हो सकता है किसी समय भी, बहुत आदमी को अनजान आदमी है, हो सकता है कोई आया और उसमें गिर जाए, वो मर जाए, उसका जान चला जाए अकाल में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कितना डैमेज है? बहुत ज्यादा डैमेज है, लगभग नदी का गढ़ाई लगभग 15 फीट है, 15 फीट गढ़ा है, इसमें अगर कोई भी आदमी गिरेगा तो उसमें बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए प्रशासन से मतलब गुहार करते, मांग करते हम लोग इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से लगभग 20 गांव का आबादी है, इस गांव से इस रास्ते से आने जाने का मतलब एक जरिया है, एक मार्ग है ये, अगर यही बाधित हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ से? हम लोग के लिए जी मांग क्या है? मांग क्या कि हमको इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, सेवा बहाल किया जाए, इसमें कोई आए प्रशासन की तरफ? अभी तक कोई नहीं आया है।